यस, तो आई थिंक ये फॉर्मेशन ऑफ एचएफ आपको समझ में आ चुका होगा। एचएफ मॉलिक्यूल किस टाइप से फॉर्म होता है, ये अभी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एफ टू मॉलिक्यूल। तो एफ टू मॉलिक्यूल के लिए दो फ्लोरीन के एटम्स क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। टू एटम्स ऑफ फ्लोरीन, टू ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखो, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। अब ये जो 2p5 है ना, एक्चुअल में इसको हम देखो किस किस टाइप से डिवाइड कर देते हैं। पी जो सबसेल होता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, आप लोगों को पता होगा। तो ये देखो किस टाइप से है ना ये, तो एक होता है 2px, 2py और एक होता है 2pz। तो 2px में दो इलेक्ट्रॉन हैं, 2py में भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2pz में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाला जो 2pz ऑर्बिटल है ना, सिर्फ ये ऑर्बिटल बनाने में, क्या ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फुल है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ 2pz का जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो ये देखो एक फ्लोरीन का एटम, ये दूसरे फ्लोरीन का एटम, जिसके देखो 2px में दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। इसी टाइप से इस 2pz में भी, 2py में भी दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिर्फ 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से ये दूसरा फ्लोरीन का एटम, इसमें देखो 2px में दो इलेक्ट्रॉन, 2py में दो इलेक्ट्रॉन और ओनली 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके क्या बनेंगे, एफ टू का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये एफ टू का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये किस टाइप से हुआ है, इसको मैं वापस से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग भी इसको करने में कैपेबल हो सको। तो बता रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे किस टाइप से F2 का मॉलिक्यूल बना है। F2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, ठीक है। जो मेन जो कंसेप्ट है ना VBT का, वो हम पढ़ रहे हैं। मेन कंसेप्ट जो है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है, एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं है, मेन ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है। तो किस टाइप से देखो F2 का मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये हमें बनाने हैं सबसे पहले इनके क्लोरीन के ऑर्बिटल। तो ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल, ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सा है बच्चों, ये है 2px, ये कौन सा है, ये है 2py और ये 2pz, ठीक है। ये देखो ये पूरी लोब है, देखो ये वाली पूरी लोब है ना, ये पूरी लोब, ये 2px के लिए, ये भी 2px। देखो सॉरी, अब दूसरा हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं फ्लोरीन का। दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ये देखो, दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इसी टाइप से, ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल बना लो इसी टाइप से। ये देखो ठीक है, अब इसमें भी ये देखो, ये 2px, 2py और ये 2pz। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ये देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो 2pz है ना, सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए दोनों में, देखो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। इसमें देखो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे। किस टाइप से कंबाइन होंगे, देखो इस टाइप से, ध्यान से देखेंगे। अब मैं दूसरा भी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों कंबाइन हो गए ना, दोनों ओवरलैप हो गए, देखो इस टाइप से।
ये इस टाइप से क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया। समझ में आया, ये इस टाइप से ओवरलैप हो रहे हैं, ये इस टाइप से ओवरलैप हो गए। अब इस टाइप से ओवरलैप हो गए तो इनके इलेक्ट्रॉन भी शो करो आप यहाँ पे, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ ऑपोजिट स्पिन के। ये देखो ऑपोजिट स्पिन के मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसमें आप बना दो, ये इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन्स बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, चलेगा। अब ये है 2p x का, 2p y, और ये है 2p z। ये 2p x, 2p y और ये 2p z के दोनों ने किया क्या, आपस में कंबाइन करके यहाँ पे ये बॉन्ड बना, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखो इन दोनों में ओवरलैप हुआ है, यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल में क्या हुआ है, 2pz ऑर्बिटल्स में क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है, ओवरलैप इन बिटवीन द 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन ए एंड फ्लोरीन बी एटम्स। ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के, ये अभी हमने बता दिया। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रहा, ऑर्बिटल ओवरलैप अगर ज़्यादा है, मॉलिक्यूल बनते समय ऑर्बिटल्स अगर ज़्यादा ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी क्या होगी, हाई होगी, या बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो देखो ये तीन मॉलिक्यूल बताए, H2 HF एंड F2, ये तीनों का फॉर्मेशन अभी हमने देख लिया। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे लिखी है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो F एंड F, फ्लोरिन और फ्लोरिन के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 126 किलो जूल पर मोल। H और H के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 435.6 होती है, इसको राउंड ऑफ में लिखा 436 किलो जूल पर मोल। इसी टाइप से HF की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 566 किलो जूल पर मोल। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, इस मॉलिक्यूल की। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन को ब्रेक करके दोनों एटम्स को अलग करना क्या होगा, डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या होंगे, अलग होंगे। इनको अगर हमें सेपरेट करना है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटम्स को, तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी फ्लोरीन और फ्लोरीन के लिए, देखो क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है इनकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, अगर ऑर्बिटल में ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर देखो दो टाइप से ओवरलैप होता है, एक होता है एक्सेल ओवरलैप और दूसरा होता है साइडवेज ओवरलैप, एक्सेल ओवरलैप एंड साइडवेज ओवरलैप। इनमें जो अभी हमने ये एग्जांपल देखा है ना बच्चों, ये है एक्सेल ओवरलैप, इसमें क्या बना है, अभी हमने बताया था ये सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना है, दिस इज द सिग्मा सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, और जो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होती है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। दूसरे टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों पाई बॉन्ड, कैसे होते हैं पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनेंगे, तो पाई बॉन्ड के बनने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट पी ओ टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसी के बाद में क्या बनता है बच्चों पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल, बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, एंड द साइडवेज ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल वी गेट पाई बॉन्ड। ये कंसेप्ट आपको
क्लियर होना चाहिए। तो इसको मैं बता देता हूँ बच्चों, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फिर एक बार से आपको बता देता हूँ। देखो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्मा का साइन है और ये पाई का साइन है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा मैथ में। तो ये सिग्मा बॉन्ड किस टाइप से बनते हैं? इफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप एक्सियल, इफ एक्सियल ओवरलैपिंग इज प्रोसीड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल देन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एंड पाई बॉन्ड कब होता है? बाय द साइडवेज साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किस किस के बीच में बनता है, कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है? तो ध्यान देंगे एस ऑर्बिटल, इन बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन, वापस से बता देता हूँ। तो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों वो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में भी बनेगा, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इन दोनों के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, और पाई बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई ऑर्बिटल और पी सॉरी पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अगर इनमें देखो हमेशा किस टाइप का ओवरलैप होगा, इन दोनों में हमेशा एक्सियल ओवरलैप होगा। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होगा, एक्सियल ओवरलैप होगा ऑलवेज ऑलवेज, बोथ ऑर्बिटल ऑफ एस एंड एस विल ओवरलैप इन एक्सियल डायरेक्शन ओनली। इसी टाइप से एस और जो पी ऑर्बिटल है इसमें भी ओवरलैप कैसा होगा, एक्सियल ओवरलैप ही होगा। अब पी और पी में जो ओवरलैप है ना, ये दो टाइप के ओवरलैप हो सकते हैं, ये एक्सियल भी हो सकता है एक्सेल ओवरलैप भी हो सकता है। अगर एक्सेल ओवरलैप होता है, अगर एक्सेल ओवरलैप होता है ना, अगर एक्सेल ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर एक्सेल ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर पी और पी के बीच में साइडवेज ओवरलैप होता है तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड बनेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज समझ, ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा बच्चों। पॉइंट क्लियर है आपको, क्या बताया मैंने? देखो ध्यान से देखेंगे, अगर एक्सियल ओवरलैप होता है पी और पी के बीच में, अगर एक्सियल ओवरलैप होता है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और अगर P और P के बीच में साइडवेज ओवरलैप होता है तो बनेगा पाई बॉन्ड। P और P जो ऑर्बिटल है ना, P और P ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप तो बनेगा पाई बॉन्ड। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार इसको और से बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे पी बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। तो जो पाई बॉन्ड है ना बच्चों, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, जैसे ये पी ऑर्बिटल, ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये मैंने बनाया सपोज पी जेड ऑर्बिटल, ये भी मैंने बनाया पी जेड ऑर्बिटल। ये देखो दोनों हेड ऑन पोजिशन है, ये हेड ऑन पोजिशन दोनों की, अगर ये हेड ऑन पोजिशन से आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्सियल ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सियल ओवरलैप हो रही है, और एक्सियल ओवरलैप इस टाइप से होगी। देखो ध्यान से देखो, ये इस टाइप से एक्सियल ओवरलैप होगी, और एक्सियल ओवरलैप से क्या बनेगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। और इसी टाइप से अगर अगर हम बात करते हैं, एक पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल और ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल। अब ये अगर साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो साइडवेज ओवरलैप इस टाइप से करेंगे। तो जब साइडवेज ओवरलैप होता है तो ओवरलैपिंग बहुत ही कम होती है। इस टाइप से देखो ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी। तो क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर पी और पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो अगर ये एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी और पी ऑर्बिटल में अगर किस टाइप की ओवरलैपिंग हो, साइडवेज ओवरलैप हो, तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। यस, देर आर टू टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। फर्स्ट टाइप का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरे टाइप का कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब दोनों के बीच में कैसी हो, एक्सियल ओवरलैपिंग हो। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे, जैसे एक एस ऑर्बिटल के अंदर अगर एस और एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, ध्यान से सुनो सब बच्चे, एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस और पी ऑर्बिटल हमेशा जब जब भी कंबाइन करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पी और पी ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। पी और पी ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो या तो उनमें बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, या फिर पी और पी जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो या उनमें बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो पी और पी ऑर्बिटल कंबाइन होने से सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब पी ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे, एक्सेल में आएंगे। देखो ये एक पी ऑर्बिटल है जिसमें ये एक इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इधर एक लोब है, ये इधर एक लोब है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ध्यान दो इधर, तो एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ये देखो इस टाइप से अगर ये कंबाइन होते हैं और इस टाइप से ओवरलैप कर लेते हैं, इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाती है इनमें, इस टाइप से अगर इनमें ओवरलैपिंग हो जाती है तो किस टाइप का बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक पी बॉन्ड ऐसा है जिसमें ये इसका सेंटर है और एक लोब ऊपर है, दूसरी लोब नीचे है। ठीक है, इसी टाइप से एक ये पी ऑर्बिटल है, इसमें बीच का ये सेंटर पॉइंट, ये बीच का सेंटर पॉइंट, एक लोब ऊपर की साइड में, एक लोब नीचे की साइड में। ठीक है, और ये ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे 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 कंबाइन होते हैं तो क्या हुआ, ये साइडवेज ओवरलैप हो गया। और साइडवेज ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं ना, पी बॉन्ड पी ऑर्बिटल इस टाइप से आते हैं तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर इस टाइप से जुड़ते हैं, इस टाइप से कंबाइन होते हैं तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैप होता है, हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है। हेड टू हेड ओवरलैप होगा ना, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, और ज्यादा ओवरलैपिंग से बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। और अगर साइडवेज ओवरलैप होता है, इस टाइप से साइडवेज ओवरलैप होता है तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड किस किस में बनेगा ये भी ध्यान देना, एस और एस ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और एस ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एस और पी ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी और पी ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करेंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और उसमें पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब पी और पी ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, पी और पी ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब ओवरलैपिंग बहुत कम होती है तो क्या बनता है,
पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा एनर्जी चाहिए तब जाके पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सिग्मा बॉन्ड जब बन जाएगा उसके बाद में पाई बॉन्ड बनता है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? आ गया? ओके। सो व्हेनेवर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, देन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप बाय देयर एक्सियल पोजिशन। दो ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं, कैसे? एक्सियल ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, या एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस टाइप से ये देखो एस एस ओवरलैपिंग बताइए। देखो ये एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल, दोनों आपस में एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें हमेशा इसमें एक्सेल ओवरलैपिंग ही होगी, और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एच टू के मॉलिक्यूल में। जब भी एस और एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी टाइप से देखो एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा। तो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइन होकर एस पी ओवरलैपिंग हो गई है, एस पी ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल इस टाइप से होगा एच एफ का। ये सपोज ये मान लेते हैं हाइड्रोजन का एटम है, और ये अगर हम एच एफ का मॉलिक्यूल अगर ये हम बात करते हैं, ये फ्लोरीन का जो एटम है, फ्लोरीन का एटम में ये ऑर्बिटल है 2p z ऑर्बिटल, इनका ओरिएंटेशन ये जेड एक्सिस पे, ये ओवरलैप करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। नेक्स्ट देखो पी और पी ओवरलैपिंग, अगर पी और पी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइप से। ये देखो ये इसका एक्सिस पार्ट, ये इसका एक्सिस है, दोनों में एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बना यहाँ पे एफ टू के मॉलिक्यूल में। और ये देखो एक पी ऑर्बिटल जिसमें ये इसका सेंटर है, ये लोब है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल जिसमें ये इसका सेंटर, और दिस इज द लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल। ये अगर साइडवेज ओवरलैप करेंगे, देखो ये साइडवेज टच करेंगे तो बहुत कम इनमें ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग कम होगी, और ओवरलैपिंग कम होगी तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? पाई बॉन्ड बनता है। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सियल ओवरलैप से बनते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये अभी हमने बता दिया। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वेज ओवरलैपिंग, ये ध्यान देना पॉइंट। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस और एस, मैंने बताया था एस और एस के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस और पी के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पी ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल कैसे आ रहे हैं? एक्सेल में आ रहे हैं, एक्सेल पोजिशन में आ रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल, सिर्फ पी और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। कौन से? पी और पी ऑर्बिटल जिसमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, पी और पी ऑर्बिटल अगर साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बना देते हैं। सिग्मा के अंदर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज, और इस वजह से सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, पहले ही मैंने बता दिया था। और जो पाई बॉन्ड है इनमें ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, और कम ओवरलैपिंग होने की वजह से ये वीक बॉन्ड होते हैं, इनको बहुत कम एनर्जी से भी ये क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द एक्सिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू द टू न्यूक्लियाई। तो दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है पाई ऑर्बिटल के अंदर असिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिकल मतलब अगर इस टाइप से ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं साइडवेज, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। सिग्मा बॉन्ड इज कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं देखो अप साइड में और डाउन साइड में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। नेक्स्ट, इनमें जो फ्री रोटेशन है ये पॉसिबल है, इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड के एक्सिस फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन एक्सिस एक्सेल पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो किस टाइप से फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो
जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में ये कोई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवाना चाहूँ, दोनों को रोटेट करवाना चाहूँ, तो ऐसे रोटेट करवा सकता हूँ ना दोनों? देखो एक यहाँ पे बॉल लगा दो, छोटी सी बोलियां लगा दो, एक छोटी सी बोलियां लगा दो पेन के दोनों साइड में। एक पेन ले लो, एक इस साइड में छोटी सी बोल लगा दो, एक छोटी सी बोलियां लगा दो। अब इस बॉन्ड को या इस पेंसिल को या पेन को यहाँ से होल्ड करके इस बॉल को ऐसे अगर रोटेट करवाओगे तो रोटेट करवा सकते हो ना? इस बॉल को ऐसे रोटेट करवाना चाहोगे तो रोटेट करवा सकते हो ना? तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में ये पॉसिबल है, मतलब सिग्मा बॉन्ड में ये पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, दो पेन ले लो और इस टाइप से, तो एक हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, एक हो जाएगा क्या पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे भी एक बॉल लगा दो, एक यहाँ पे बॉल लगा दो, अब दोनों को ऐसे रोटेट करवाओ तो क्या रोटेट करवा सकोगे? इसको रोटेट करवाना ऐसे, इसको रोटेट करवाना करो चाहोगे ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। बिना बॉन्ड को ब्रेक किए इसको रोटेट करवाना ऐसे, करवा देंगे क्या? ये देखो ट्विस्ट हो रहा है, ये बॉन्ड ट्विस्ट हो रहा है। तो बॉन्ड ट्विस्ट होने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है। मतलब पाई बॉन्ड में जो दोनों एटम्स जुड़े होते हैं वो आपस में रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, वाइल इन पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड द पॉइंट?